ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, और इसमें देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज दिस एंड व्हाई हम लोग ये क्यों करते हैं, और ये कैसे जो है मेजरमेंट करते हैं मनी सप्लाई का, हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है, और उसके क्या क्या टूल्स हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट हैं। इन सारी बिंदुओं पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल के साथ समझेंगे कि हमारा जो भी मनी मार्केट में मनी का सप्लाई होता है, उसको एक एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि जब आपके बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो आपके शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, डैमेजिंग होता है, हानिकारक होता है। उसी तरीके से अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है या फिर लो ब्लड प्रेशर है तो वो भी जो है आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, डैमेजिंग होता है। तो दोनों जो स्थिति है हमारा वो क्या है, नुकसानदायक है। अगर ब्लड जो है आपके बॉडी में जो है ज़्यादा हो गया या फिर ब्लड ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया, दोनों कंडीशंस में ये आपके बॉडी जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है। उसी तरीके से अगर आपके इकोनॉमी में, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अगर उसमें मनी सप्लाई अगर ज़्यादा हो गया, तो भी वो नुकसानदायक होगा, और अगर मनी सप्लाई कम हो गया तो भी वो नुकसानदायक होगा। अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर मनी सप्लाई कम है तो रिसेशन हो जाएगा। तो और ये इन्फ्लेशन और रिसेशन के बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट अलग से हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड अगर ज़्यादा है या कम है तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम, ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत जो है हम लोग ब्लड प्रेशर जो है बॉडी में मेजर करते हैं, और ये जनरली जो है हमारा 120/80 जो है ये हमारा लिमिट होता है ब्लड प्रेशर का। ये एक आइडियल कंडीशन है, एक बैलेंस कंडीशन है जो कि माना जाता है। और ये जो ब्लड प्रेशर है इसको सुनने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। अकॉर्डिंगली जब ये मेजर करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ज़्यादा है, कम है या बैलेंस है, और अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसका उपचार करते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हमारा अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है, और अगर कम है तो भी डैमेज कर रहा है। तो दोनों स्थितियों को मेजर करने के लिए ये जो मेजरमेंट का जो काम करता है, RBI करता है, और ये RBI के पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरमेंट करने का वो हो गया मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4। ये जो है एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब जो कंप्लीट जो हमारा मनी सप्लाई हो रहा है मार्केट में उसको मेजर करने का ये टूल्स है, मैकेनिज्म है स्फिग्मोमैनोमीटर की तरह, जो कि हमें ये बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे बाजार में जो है मनी सप्लाई अभी ज़्यादा है या कम है या फिर बैलेंस है। और इसी स्थिति को नज़र रखने के लिए जो है RBI नज़र रखता है, और हमेशा इसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए जो फिर अकॉर्डिंगली जो है अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी कंट्रोल करने के जो टूल्स है, मैकेनिज्म है, उसके द्वारा जो है मनी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई का, कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि मनी सप्लाई कितना हो रहा है तब तक हम उस पर इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं, उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि मनी सप्लाई क्या है। तो मनी सप्लाई जो होता है ये मनी डिमांड की तरह स्टॉक वेरिएबल्स है। स्टॉक वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि जितना मनी का स्टॉक है वो वैरी करता है।
डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार ये वेरी करेगा, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एमोंग द पब्लिक। यहाँ पे ये याद रखना है, ये समझना है कि द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एमोंग द पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई कहते किसको है, व्हाट इज दिस, पहला तो क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाट इज दिस, तो ये बोल रहा है कि द टोटल स्टॉक ऑफ व्हाट, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ठीक है, इन सर्कुलेशन एमोंग द पब्लिक, इन सर्कुलेशन एमोंग द पब्लिक, पब्लिक के पास जो सर्कुलेशन में मनी है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो क्या हो सकता है, मनी सप्लाई जो है पब्लिक के पास कैश इन हैंड हो सकता है, कैश इन हैंड अपने पास जो कैश के रूप में रख रहा है वो पब्लिक, अपने पास जो रख रहा है वो करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक। दूसरा जो है पब्लिक का डिपॉजिट विद द बैंक, पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो ये जितना यहाँ पर ये करेंसी हाथ में है पब्लिक का, और ये पब्लिक का पैसा जो है पब्लिक बैंक में जो है ये हमारा हो सकता है डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, और ये पब्लिक का पैसा बैंक में हो सकता है। तो ये जो है सारा पैसा जो है इसको हम लोग मनी सप्लाई में काउंट करते हैं, क्योंकि ये सारा पैसा क्या किसका है, एमोंग द पब्लिक, पब्लिक का है, जो पब्लिक के पास में है, पब्लिक का पैसा बैंक में है, पब्लिक का पैसा पोस्ट ऑफिस में है। तो यही बोल रहा है कि द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एमोंग द पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो इसको हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं। तो व्हाट इज मनी सप्लाई, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एमोंग द पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। पब्लिक का पैसा कहाँ है, पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक के पास जो है वो पब्लिक का पैसा, और पब्लिक का पैसा जो बैंक में है वो हो गया, और पब्लिक का पैसा जो पोस्ट ऑफिस में हो गया। तो ये जो सर्कुलेशन एमोंग द पब्लिक है पैसा, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो पहला क्लियर हो गया कि व्हाट इज मनी सप्लाई कहते किसको है, क्लियर। नाउ आरबीआई जो है इसको कैसे मेजर करता है, तो आरबीआई इसको मेजर करने के लिए जो है मनी सप्लाई मेजर्स बोलते हैं इसको, मनी सप्लाई मेजर्स M1, मनी सप्लाई मेजर्स M2 और मनी सप्लाई मेजर्स M3 एंड M4 के थ्रू जो है मनी सप्लाई को मेजर करता है, और इससे जो रिलेटेड जो फिगर्स होते हैं उसको वो आरबीआई पब्लिश करता है, क्लियर। नाउ आगे देखते हैं कि एक एक करके देखेंगे कि जो इसका जो मनी सप्लाई का जो मेजरमेंट हो रहा है, जो जो इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला जो है मनी सप्लाई M1, तो M1 जो होता है वो CU प्लस DD, DD का मतलब CU हो गया आपका करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, एंड डीडी का मतलब हुआ डिमांड डिपॉजिट्स, जो कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में पब्लिक का पैसा जो है जमा है, और ये पब्लिक का पैसा डिमांड डिपॉजिट्स में किस तरीके का है, दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और दूसरा हो जाएगा आपका करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये जो है ये M1 हो गया, एग्रीगेट मनी सप्लाई मेजर जो है M1, एग्रीगेट मनी सप्लाई M1 जो हो गया करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक किसके रूप में हो जाएगा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ये सारा पब्लिक का पैसा है, तो ये मनी सप्लाई के अंतर्गत आएगा। तो ये M1 हो गया, और ये M1 है, M1 को हम लोग ये कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर हम डिमांड डिपॉजिट से 1,00,000 रुपया जो है विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जब विड्रॉ करेंगे तो ये 1,00,000 रुपया हमारे कैश इन हैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 1,00,000 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1,00,000 प्लस हमारा हैंड में हो गया, ठीक है, तो ये हैंड में हो गया तो हमारा M1 क्या हो जाएगा, M1 जो है हमारा अपरिवर्तित रह जाएगा, अनचेंज्ड रहेगा, जो कि UPSC का इस ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम 1,00,000 रुपया बैंक से निकाल रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में निकाल रहे हैं, तो
हमारा जो है एग्रीगेट मनी सप्लाई में क्या परिवर्तन होगा, 1 लाख रुपया बढ़ जाएगा, 1 लाख रुपया घट जाएगा, 1 लाख मतलब से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें कि अगर हम डिमांड डिपॉजिट्स या बैंक से जो है 1 लाख रुपया निकालते हैं और वो कैश इन हैंड हमारे पास रहता है तो हमारा मनी सप्लाई जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि ये सप्लाई का पार्ट ही है। जो मनी सप्लाई के अंतर्गत ही हमारा डिमांड डिपॉजिट्स आता है और CU भी जो है हमारा मनी सप्लाई के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ से निकाला तो ये हमारे पास हो गया, तो ये टोटल जो एग्रीगेट में जो है अनचेंज रहेगा। नाउ देखते हैं M2 जो होता है, M2 जो है सिंपली M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक जो सेविंग अकाउंट में आपने जमा करा है उसको अगर ऐड कर देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, M2 निकल जाएगा। तो मतलब इसमें जो है केवल डिमांड डिपॉजिट में क्या जोड़ देंगे, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस को जोड़ देंगे तो हमारा जो है M2 निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा जानने के पहले हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि CU क्या हो गया। CU का मतलब हुआ करेंसी नोट्स प्लस क्वाइंस हिल्ड बाय द पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास जो करेंसी एंड क्वाइंस है उसको हम लोग CU से डिनोट कर रहे हैं। और DD का मतलब हुआ डिमांड डिपॉजिट हिल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक कौन हो गया तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को पता है कि कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक में प्राइवेट्स बैंक हो जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक में आपका रीजनल रूरल बैंक्स हो जाएंगे और कमर्शियल बैंक में आपका फॉरेन बैंक्स हो जाएंगे। तो ये सारे जो है कमर्शियल बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है पब्लिक का उसको हम लोग DD बोल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें भी टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। प्राइवेट बैंक में 22 जो है हमारा प्राइवेट बैंक है, RRB जो है 43 और ये अराउंड 44 जो है हमारा फॉरेन बैंक्स है। तो इसमें डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स में पब्लिक का पैसा रहता है। उसी तरीके से ओनली डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हिल्ड बाय द बैंक आर टू बी इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। तो इसमें ये बोल रहा है कि पब्लिक का जो पैसा बैंक में जो डिपॉजिट्स है वही केवल मनी सप्लाई में इंक्लूडेड होगा। मतलब पब्लिक का जो डिपॉजिट या बैंक में हो सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स जिसको बोल रहे हैं उसमें हो सकता है। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कभी कभी जो है बैंक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करता है, वन बैंक विद द अदर बैंक के साथ जो शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टाइम के लिए जो ट्रांजेक्शन करता है वो डिपॉजिट जो है कमर्शियल मतलब आपका मनी सप्लाई में इंक्लूडेड नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द इंटर बैंक डिपॉजिट्स विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। यहाँ पे केवल पब्लिक का पैसा जो सर्कुलेशन में है अमॉन्ग द पब्लिक को ही हम मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। बैंक टू बैंक जो मनी सप्लाई हो रहा है या मनी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे हम लोग बोले थे कि कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी का मतलब होता है अगर कोई बैंक्स अगर उसके पास मतलब मनी का कमी हो गया, रिजर्व्स कम हो गए और उसको रिक्वायरमेंट नीड है तो वो किसी दूसरे बैंक से जो है कॉल करके जो है वो उतना मनी जो है अपना जो है अपने बैंक में रख ले लेता है या फिर डिमांड के बेसिस पे मंगा लेता है। तो ये इंटर बैंक डिपॉजिट है या इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है और जिस जो मनी मंगाता है उसको कॉल मनी बोलते हैं और जिस रेट पे मंगाता है उसको कॉल मनी रेट बोलते हैं। तो ये इंटर बैंक जो डिपॉजिट्स हो रहा है उसको हम लोग मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये बैंक टू बैंक जो है मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पब्लिक का मनी जो है ट्रांजेक्शन इसमें नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है UPSC का है दिस ईयर जो है ये क्वेश्चन आए हैं और इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इफ यू विड्रॉ 1 लाख अगर आप कैश में फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से अगर आप 1 लाख रुपया निकालते हैं एट योर बैंक अपने बैंक से, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट मनी सप्लाई यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, M1 की बात कर रहा है। एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी टू रिड्यूस इट बाई 1 लाख, रिड्यूस्ड हो जाएगा नहीं, रिड्यूस्ड नहीं होगा। टू इनक्रीज इट बाई 1 लाख तो इनक्रीज भी नहीं होगा, और टू इनक्रीज इट बाई मोर देन 1 लाख तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है M1 CU प्लस
डिमांड डिपॉजिट्स, तो आपने डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपया निकाल लिया, 1 लाख रुपया जो निकाला वो आपके पास कैश इन हैंड है ना, तो यहाँ पे जब -1 लाख हुआ, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 1 लाख हो गया, तो जो कुल मिला करके है वो क्या अनचेंज रह जाएगा, 1 लाख यहाँ पे हट कम गया बट 1 लाख यहाँ बढ़ गया, तो ये हमारा जो है M1 जो है टू लीव इट अनचेंज, ये क्या होगा अनचेंज रहेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि UPSC में इस ईयर आया था। अब हम लोग देखते हैं M3। M3 भी जो है बहुत ही सिंपल है। हम लोग देखे हैं कि बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा क्या होता है टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो M3 जो है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जब भी बोल रहे हैं तो वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक हो जाएंगे, आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएंगे, फॉरेन बैंक हो जाएंगे, ये सब कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी इसको बोलते हैं, जो कि RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जो भी इनलिस्टेड है वो सारा हमारा कमर्शियल बैंक हो जाएगा। तो ये M3 हो गया हमारा। M1 क्या है हमारा, CU प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस यहाँ पे क्या बोल रहा है नेट टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स हो गया, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा M3 हो गया। M3 तो सिंपल सा है कि पब्लिक के पास जो कैश इन हैंड है प्लस पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में बैंक में जो पैसा जमा है और पब्लिक का टाइम डिपॉजिट्स के रूप में जो पैसा बैंक में जमा है, ये तीनों जब मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा M3। क्लियर नाउ। अब हम लोग देखते हैं M4 क्या होता है। तो ये सिंपल है, M3 प्लस यहाँ पे क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट्स, नॉट ओनली डिमांड, मतलब आप सेविंग डिपॉजिट्स में क्या रख रहे हैं, नहीं, मतलब जितने भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ करके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसको अगर हम M3 में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीगेट मनी सप्लाई M4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि हमारा जो है M1 क्या हो गया, M1 हो गया CU प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। M2 क्या हो गया, M2 हो गया CU प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 क्या हो गया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स हो गया, और M4 क्या हो गया, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। इसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग जो है नेशनल सर्टिफिकेट डिपॉजिट, इसको एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो मेंशन कर देंगे तो M4 निकल जाएगा। तो ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट है ये एग्रीगेट मनी सप्लाई, एग्रीगेट का मतलब हुआ टोटल जो मनी मार्केट में है या इकोनॉमी में है उसको मेजर करता है। मनी सप्लाई के अंतर्गत केवल जो है वैसे मनी आएंगे जो कि पब्लिक के पास है और पब्लिक के पैसा जो बैंक में है डिपॉजिट्स है जो कि अमॉन्ग द पब्लिक सर्कुलेशन में है वो मनी सप्लाई के अंतर्गत आएगा। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो RBI जो टूल यूज करता है M1, M2, M3 एंड M4। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे कि M1, M2, M3 और M4 जो है वो लिक्विडिटी के अनुसार, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम लोग इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग इजिली जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इजिली जो है 1 से 2 का मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वैलिडिटी ज़्यादा है, जिसका रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ये सारे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो इसमें जैसे जैसे हम लोग सबसे जो ज़्यादा लिक्विडिटी है वो M1 का है। क्यों है, क्योंकि ये कैश के रूप में रहता है प्लस डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में रहता है, ताकि जब चाहे जब आप बैंक से वो क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी हुई, M1 की हुई। उसके बाद क्या हुआ कि M2
एम टू में क्या हो गया आपका, एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट हो गया, तो इसकी लिक्विडिटी जो है एम वन से कम हो जाएगा, एम टू की लिक्विडिटी जो है एम वन से कम हो जाएगा, और एम थ्री जो है एम थ्री की लिक्विडिटी एम टू से भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाता है, क्योंकि टाइम डिपॉजिट जब आ जाता है तो आप जो है जब चाहें आप बैंक से पैसा टाइम डिपॉजिट अकाउंट में जो जमा किए, क्योंकि वो फिक्स्ड अकाउंट होता है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, जब तक उसकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है तब तक वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको सर्टेन पेनाल्टी जो है इंटरेस्ट के रूप में वहाँ पे लगता है, तो इसकी लिक्विडिटी जो है एम टू से भी कम होगी। और एम फोर क्या हो गया, एम थ्री प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, टोटल पोस्ट ऑफिस जो भी सेविंग डिपॉजिट हो रहा है उसमें वो सब हो जाएगा एम फोर में हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग जो है आपका नेशनल सर्टिफिकेट अकाउंट के अंतर्गत जो जमा हो रहा है उसको छोड़ के, तो ये एम फोर हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है किसमें है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है हमारा एम वन में है, और जैसे जैसे हम इधर की ओर जा रहे हैं लिक्विडिटी कम रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी कम रहा है, और जैसे जैसे इधर की ओर आएंगे तो लिक्विडिटी क्या होगा हमारा बढ़ रहा है। लिक्विडिटी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लिक्विडिटी जो है हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ये जो हो रहा है वो घट रहा है। एम वन एम टू एम थ्री एम फोर की तरफ जब मूव करते हैं तो लिक्विडिटी घटती है, और एम फोर एम थ्री एम टू से एम वन की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है। नेक्स्ट जो है एम थ्री, एम थ्री इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली हम लोग मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो क्या है, एम थ्री है। एम थ्री को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम मुझे पता है कि एम थ्री जो है एम थ्री इजकल टू क्या हो गया, एम थ्री इजकल टू हो गया एम टू प्लस टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स। एम टू में जो है हमारा क्या हो जाएगा कि एम वन भी आ जाएगा, और एम वन भी आ गया प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट भी हो गया प्लस यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एम थ्री जो है जिसमें डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों आ रहे हैं, टाइम डिपॉजिट्स और हमारा टाइम डिपॉजिट्स और हमारा ये दोनों आ रहा है, इसलिए जो है हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है सबसे ज्यादा मतलब कवरेज कर रहा है, और ये ब्रॉडली जो है यूज हो रहा है यहाँ पे एम थ्री, और एम थ्री जो है एम टू प्लस टाइम डिपॉजिट जो है हमारा यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स भी है और इसमें डिमांड डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं, तो डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट प्लस करेंसी विद द पब्लिक ये तीनों चीज यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मोनिटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, किसको, तो एम थ्री को हम लोग एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे जो आपका M1 एंड M2 है, M1 एंड M2 ये दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नैरो मनी बोल रहे हैं, क्यों नैरो मनी इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो है हमारा टाइम डिपॉजिट्स को जो है हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि M3 एंड M4 को हम लोग ब्रॉड मनी बोल रहे हैं, ब्रॉड मनी इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो है हमारा कैश इन हैंड विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द पोस्ट ऑफिस, ये सारा कुछ आ रहा है, तो इसलिए हम जो M3 एंड M4 को क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड मनी बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अब हम लोग को ये देखना है कि जो मनी सप्लाई जो है वो कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित कर सकते हैं, तो पहला जो इम्पोर्टेंट है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, कौन आपकी वरीयता में है, ठीक है। तो प्रेफरेंस आपका दो हो सकता है, प्रेफरेंस आपका ये हो सकता है कि आप कैश जो है अपने पास बैलेंस के रूप में रखें, कैश जो है कैश बैलेंस ही रखना पसंद करते हैं, या फिर आप पैसे को क्या कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे टाइम डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो है पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रेफरेंस है, किसका प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस ऑफ पब्लिक है। पब्लिक का पैसा वो जैसा चाहे उसको इन्वेस्ट कर सकता है, खर्च कर सकता है, रख सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये प्रेफरेंस जो है किस पे ये प्रेफरेंस भी जो है किस पे डिसाइड होगा, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो हैं जो प्रेफरेंसेज को डिसाइड करते हैं। सपोज कीजिए कि अभी फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन है तो लोग चाहेंगे कि उसके पास कुछ कैश इन हैंड हो ताकि वो कुछ गुड्स एंड कमोडिटी को परचेज कर सके, पर्व त्यौहार में जो है मतलब अपना जो है परचेजिंग कर सके। तो वो क्या करेगा, डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाल के कैश इन हैंड में रख लेगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लिया कि एग्रीकल्चर सीजन है, तो एग्रीकल्चर सीजन रहेगा तो लोगों को इनपुट जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उसको परचेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी जो है पैसा जो अपने पास रखेगा। जो आपका जो शादी विवाह का सीजन होता है उसमें भी लोग पैसा अपने पास रखते हैं ताकि उस चीज़ों को परचेज कर सकें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पब्लिक जो प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक फॉर होल्डिंग कैश बैलेंस विज़ का मतलब हुआ अगेंस्ट डिपॉजिट इन बैंक ऑल्सो अफेक्ट द मनी सप्लाई। दीज इन्फ्लुएंसेज ऑन मनी सप्लाई कैन बी समराइज बाय द फॉलोइंग की रेशियो। अब ये जो इन्फ्लुएंस किस तरीके से पब्लिक का जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके से मनी सप्लाई को जो है मतलब इन्फ्लुएंस प्रभावित कर रहा है, उसके लिए हम लोग के पास जो रेशियो है वो रेशियो को समझेंगे, ये इंडिकेटर के रूप में यूज होगा। तो पहला जो रेशियो है वो है क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। सी कैपिटल, डी स्मॉल एंड आर स्मॉल। तो ये बिल्कुल सिंपल है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है द करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हिल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जो है इन करेंसी, ठीक है, ये बोल सकते हैं सी यू इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। तो उसके बाद जो बैंक डिपॉजिट्स के रूप में जो होल्ड रखे हुए हैं वो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सी यू डिवाइडेड बाई डी डी इज कॉल्ड सी डी आर, मतलब कैश करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो यहाँ ये बता रहा है कि डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में पब्लिक का बैंक में कितना पैसा है और करेंसी इन हैंड के रूप में पब्लिक का कितना पैसा जो है पब्लिक के पास है। तो सी यू प्लस डिवाइडेड बाई डी डी ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी, इट इज प्योरली बिहेवियरल पैरामीटर है। मतलब आपका सी डी आर इज इक्वल टू सी यू डिवाइडेड बाई डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये पब्लिक का प्रेफरेंस है, अगर ये ज़्यादा है तो ये पब्लिक का प्रेफरेंस है, तो ये बिहेवियरल है और ये बिहेवियरल पैरामीटर, और ये बिहेवियरल पैरामीटर जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, जो भी है उससे वो प्रभावित होता है। और ये सीजनल भी हो सकता है, किसी किसी सीजन में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो करेंसी ज़्यादा रखेंगे, ज़रूरत कम पड़ेगी तो बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल देख रहा है कि इनक्रीज आपका सीडीआर जो है मतलब कैश करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है इनक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, कब, ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन में जो है हमारा सीडीआर बढ़ जाता है एज पीपल कन्वर्ट डिपॉजिट्स टू कैश बैलेंस फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, वो कैश जो है करेंसी इन हैंड्स जो है बढ़ा लेते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स में जो पैसा जमा करके वो कहाँ निकाल लेते हैं, हाथ में निकाल लेते हैं, तो सीडीआर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरडी डिपॉजिट, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिजर्व, बैंक होल्ड अ पार्ट ऑफ द मनी पीपुल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में जितना पैसा पब्लिक का रखा जाता है या रखा रहता है, बैंक क्या करता है, वो सारा पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में नहीं रखता है, वो जो है सर्टेन प्रोपोर्शन, सर्टेन रेशियो या सर्टेन परसेंटेज जो है अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है, और बाकी सब जो है मार्केट में वो लेंड कर देगा या इन्वेस्ट कर देगा या फिर इस तरीके के चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट या बेनिफिट या इंटरेस्ट मिले। तो रिजर्व किसको कहते हैं, तो रिजर्व में जो बैंक का जो रिजर्व होता है वो दो तरीके का होगा, एक जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है और कमर्शियल बैंक जो RBI के पास रखता है। तो ये दोनों जो रिजर्व जो है वो हमारा टोटल रिजर्व के रूप में रहेगा
और जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है ये है बैंक होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द मनी पीपल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट्स एज रिजर्व मनी एंड लोन आउट द रेस्ट टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो मतलब कितना पैसा वो अपने पास रिजर्व मनी के रूप में रखा, ठीक है, रिजर्व मनी के रूप में रखा और कितना पैसा जो है मार्केट में वो क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय दी बैंक। तो ये टोटल डिपॉजिट्स का जो है हमारा टोटल मतलब डिमांड डिपॉजिट्स या जो जो भी टोटल डिपॉजिट्स है बैंक में उसका रिजर्व कितना है और बाहर कितना इन्वेस्ट किया, तो दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो या RDR। यहाँ पे जो हमारा रिजर्व मनी है ये दो हो जाएगा, इसमें जो बैंक कमर्शियल बैंक जो अपने पास रखेगा, बैंक जो अपने पास रखेगा प्लस जो RBI के पास रखेगा, ये दोनों जो है मिल करके हमारा रिजर्व मनी कहलाता है। और जितना मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, लेंड कर दिया, लोन आउट कर दिया, ये सारा चीज जो है हमारा नीचे रहेगा। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व मनी कंसिस्ट, तो रिजर्व मनी क्या है तो हम लोग देखें कि वॉल्ट कैश इन बैंक में जो रखता है अपने पास रिजर्व के रूप में एंड बैंक का जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट RBI के साथ है, तो दोनों को मिला करके हम लोग रिजर्व मनी बोलते हैं। तो रिजर्व मनी इजकल टू क्या हो गया, रिजर्व मनी इजकल टू हो गया कि बैंक अपने पास जो रिजर्व के रूप में रखा प्लस बैंक जो है RBI के पास जो रखा, तो ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी बोलते हैं। अब बैंक जो है ये रिजर्व क्यों रखता है, तो ये रिजर्व रखता है टू मीट द डिमांड फॉर कैश। पब्लिक पैसा रखा तो पब्लिक को पैसे की जरूरत भी तो कभी पड़ सकती है, तो पैसा का जब जरूरत पड़ेगा तो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में वो पैसा जो है बैंक से विड्रॉ करना चाहेगा, तो बैंक इज लाइबल टू पे दैट मच ऑफ मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देना पड़ेगा उसको। तो वो इसलिए जो है इतना रिजर्व के रूप में वो अपने पास रखता है ताकि वो सभी पब्लिक एक ही साथ तो बैंक के पास नहीं चले जाएंगे ना कि मुझे सारा का सारा पैसा निकाल दीजिए। तो ये मान के चलता है कि कुछ पब्लिक आएंगे हमारे पास जिसको पैसे की जरूरत है, तो इसलिए पूरा पैसा अपने पास ना रख करके सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन प्रोपोर्शन या सर्टेन रेशियो जो अपने टोटल डिपॉजिट्स का अपने पास रखता है एंड विद द RBI दैट इज कॉल्ड हमारा रिजर्व मनी। तो सिंपल सा है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप्स एज रिजर्व, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप्स एज रिजर्व के रूप में कितना रख रहा है अपने पास। अब टोटल रिजर्व कौन हो गया, अपने पास बैंक के पास प्लस RBI के पास, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो ये हमारा था मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, और मेजरमेंट करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल सके, मतलब RBI को ये पता चल सके, क्योंकि RBI का ये रोल है, ये फंक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई सर्कुलेशन को कंट्रोल करके रखे, रेगुलेट करके रखे, उसको मॉनिटर करते रखे, एक इक्विलिब्रियम में बना कर रखे, एक बैलेंस बना कर रखे, क्योंकि एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल हार्म द इकोनॉमी, ठीक है। और उसी तरीके से अगर डिफिशियंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जो है अगेन वो जो है आपके इकोनॉमी को डैमेज करता है, और ये दोनों कंडीशन जो है इकोनॉमी के लिए डैमेजिंग है, हानिकारक है, तो इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो है RBI रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए जो मॉनिटरी, ये जो एग्रीगेट मनी सप्लाई मेजरमेंट का जो मेजर्स हैं उसके थ्रू ये मार्केट पे, इकोनॉमी पे हमेशा निगरानी बनाए रखता है कि सप्लाई ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या बैलेंस है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारा मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत सभी लोगों के पास जो है पैसा हो गया, मनी सप्लाई जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो सभी लोग के पास पैसा आने से क्या होगा, वो डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेंगे। तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन हमारा लिमिटेड है लेकिन हमारा डिमांड जो है बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो क्या होगा, ये जो भी सेलर होंगे अपने प्रोडक्ट का प्राइस को क्या कर देंगे, हाई कर देंगे।
जैसे ही हाई कर देंगे तो क्या हो गया, ये महंगाई बढ़ने लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। और तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है बढ़ा नहीं, लेकिन डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया, जो भी हमारे गुड्स एंड कमोडिटी है उसका प्राइस जो है हाई हो गया, तो इन्फ्लेशन हो गया। क्लियर। अब अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया तो लोग के पास डिमांड ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो डिमांड जब क्रिएट नहीं करेंगे, डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्शन क्यों होगा? जितना प्रोड्यूस किया हुआ है उतना तो सेल हो ही नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, लेबर लोग को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे तो इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट नहीं होगा। तो इनकम जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, पॉवर्टी आएगा, गरीबी आएगा, बेरोजगारी आएगा। ठीक है, तो फर्दर जो है डिमांड नहीं क्रिएट होगा, डिमांड नहीं क्रिएट होगा तो आपका इकोनॉमी जो है ना रिसेशन में चला जाएगा। और एक लंबा पीरियड तक जब अगर रिसेशन रहता है तो इसको डिप्रेशन बोलते हैं। और फिर अंततो गत्वा जो है, ये अगर इसको सही से सही समय पे इंटरवीन करके अगर मैनेज नहीं किया गया तो आपका इकोनॉमी कोलैप्स कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका मेजरमेंट मनी सप्लाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये मेजरमेंट के जो टूल्स हैं उसके द्वारा हम लोग ये हमेशा मॉनिटर करते हैं, हमेशा निगरानी रखा जाता है RBI के द्वारा कि मनी सप्लाई मार्केट में इकोनॉमी में बढ़ रहा है या घट रहा है। और अकॉर्डिंगली जो है फिर जो मनी कंट्रोल जो है RBI के द्वारा जो है मनी कंट्रोल या मनी को रेगुलेट किया जाता है। और उसके लिए फिर RBI दो तरीके के मेथड्स यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। और ये दोनों मेथड्स जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है शाम में जो है 6 o'clock जो है इसको करेंगे कि RBI जो है किस तरीके से जो है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल, रेगुलेट और मॉनिटर करता है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको कंसोलिडेट कर लेंगे और इसका नोट्स भी बनाते चलेंगे।